आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय जवान जय किसान। गुरु पर्व पर किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा तोहफा दिया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचे हैं, जहां वो तीनों सेनाओं को तोहफा देंगे। वायुसेना को LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिलेगी, तो नौसेना को DRDO के बने वॉरफेयर सूट का तोहफा मिलेगा। वहीं थल सेना को पीएम मोदी देश की स्टार्टअप कंपनियों के बनाए ड्रोन और UAV सौंपेंगे। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसे मनाया जा रहा है, राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये पर्व अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश। तीनों सेनाओं को सौगात और महोबा में परियोजनाओं का उद्घाटन। झांसी से मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत नेगी, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है ये भी बताइए। लेकिन राज्य सरकार के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय का ये राष्ट्र समर्पण पर्व, इसे भी विपक्ष चुनाव से जोड़कर देखेगा, लेकिन इन सब के बीच आज क्या कुछ वहां पर हो रहा है? ज्ञान से अनुसंधान तक, किसान के आत्मसम्मान से सैनिक के। अंजना, जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, अब उसको काफी देर हुई है। प्रधानमंत्री ने कई चीजों की यहाँ पर शुरुआत की है। NCC के वो एसोसिएशन के पहले सदस्य बने हैं जिन बालिकाओं को पहले बैच के तौर पर सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाना। अंजना, उनका भी, उनसे भी वो मिले हैं। और उसके बाद जहां तक ये आज आखिरी दिन है इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का, काफी चीजों की घोषणाओं करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि करीब 400 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो डिफेंस कॉरिडोर, जो झांसी बुंदेलखंड को जोड़ने वाला डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पर तीनों सेनाओं से जुड़े जो हथियार बनाने की बात है। और पिछले करीब 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की जो बात की अंजना, उसमें जो हथियार बनाए गए हैं, खासतौर से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, कई तरह के UAV हैं तीनों सेनाओं के लिए। ये तीनों हथियार, ये जो उपकरण है, वो आज यहाँ पर खुद सेना पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सौंपेंगे। तो एक तरह से एक बड़ा रक्षा कार्यक्रम है। और यहाँ पिछले 3 दिनों से तीनों जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर झांसी कैंट के अंदर यहाँ के आम लोगों को सेना से जुड़े जो बने रही हमारे साथ। बिल्कुल मंजीत, मैं आपके पास लौटती रहूंगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अति आधुनिक विमान। और ये कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से तीनों सेनाओं को ये समर्पित किया जाएगा। क्या कुछ इसके जरिए हासिल करने की कोशिश होगी? डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इसी के साथ जीतू पटवारी, जो कि MLA है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट भी है INCMP के। और KC त्यागी जी, पूर्व MP और चीफ जनरल सेक्रेटरी JDU के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सब से चर्चा के पहले ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं झांसी से। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गौरव, आपसे बातचीत इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर इस समर्पण के जरिए, चाहे वो तीनों कृषि कानून की वापसी हो या फिर आज जो हम देख रहे हैं झांसी में, इन सब को जोड़ा जाएगा आने वाले चुनावों से, क्या इसी के जरिए जो सियासी चौसर है उत्तर प्रदेश में, उस पे राष्ट्रवाद का रंग गाढ़ा करती हुई सरकार दिख रही है? ये सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, तीनों ही सेनाओं को वो ये तमाम एक के बाद एक, जो हमने आपको बताया हेलीकॉप्टर्स जिसका जिक्र मंजीत नेगी कर रहे थे, जो भी है ये तमाम हथियार समर्पित किए जाएंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है जो रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर आज मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री का ये 3 दिन का उत्तर प्रदेश का दौरा है, ताबड़तोड़, जिसे कापट बॉम्बिंग कहा जाता है, इससे पहले पूर्वांचल को बड़ा तोहफा, समझिए इस खबर को और बुंदेलखंड में परियोजनाओं की सौगात को। चाहे एक तरफ पूर्वांचल हो जिसको एक्सप्रेसवे के जरिए साधने की कोशिश सरकार कर रही है, चाहे दूसरी तरफ
अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की जो नाराजगी थी उसको कृषि कानूनों के जरिए, तो आज यहां झांसी में और बुंदेलखंड में जो ये तमाम कार्यक्रम है इसके जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा छूटे नहीं, सरकार सबको साधने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्या कुछ वहां पर चल रहा है एक्सपर्ट के तौर पर गौरव सावंत आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप गौरव बताइएगा क्या आज सेनाओं की तरफ पहुंच रहा है। संबित पात्रा जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचलियों को साध रहे हैं आप? जी अंजना, कृषि कानूनों की वापसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं और बुंदेलखंड इलाके को इन कार्यक्रम और परियोजनाओं के जरिए साध रहे हैं। यह सब कुछ चुनावी है, जवाब क्या होगा आपका? देखिए, ये सब कुछ चुनावी है। चुनाव का अर्थ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का अर्थ राष्ट्र होता है, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र को सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत करना, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। यही तो राजनीति का मूल ध्येय है, यही तो राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज अगर बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ की परियोजनाएं डिफेंस सेक्टर को समर्पित करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक देश को समर्पित करेंगे और एक बहुत बड़े परियोजना को यहां पर अमली जामा पहनाएंगे, तो ये किसके लिए लाभदायक है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये आपके मेरे यहां बैठे सभी प्रवक्ता और देशवासी के लिए, ये राष्ट्र के लिए लाभदायी है। आप देखिए, दो डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में आप जानती हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी वहां हमारी सरकार नहीं है, फिर भी डिफेंस कॉरिडोर बहुत सोच समझ करके एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में दिया गया। इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे राष्ट्र नीति है, नंबर एक। नंबर दो, आप खुद बताइए, इंडिजिनसली ड्रिवन, ये खुद देश में निर्मित आत्मनिर्भर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज देश को समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी जी, क्या ये अपने आप में बड़ा विषय नहीं है? जहां हम देश में सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं, देश की क्षमता आज इतनी बड़ी हो गई है कि देश खुद आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। तीसरी बात है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक यंग व्यक्ति के नाते मैंने वो दिन भी देखे हैं 2013 में, जहां हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी खड़े होकर कहते हैं कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, यही बेस्ट पॉलिसी है बॉर्डर पॉलिसी। वहां से ऑल आउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल आउट आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़े तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया है। धन्यवाद टू हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है जीतू जी, इस पर बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी सोचती है, लेकिन उससे पहले गौरव सावंत, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को अगर आज बताएं कि इन हथियारों के क्या मायने, जो भी आज सेना को वहां पर मिल रहा है और जिस आत्मनिर्भर भारत की हम परिकल्पना कर रहे थे, क्या वो साकार होता हुआ, कम से कम तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि चुनावों के पहले हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन किस तरह से देखें इसे? ये प्रयास जबरदस्त है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, भारतीय वायुसेना को समर्पित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी वायुसेना को आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या लद्दाख की बात करें, तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस समय वहां इनका प्रयोग हो रहा है और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अगले एक साल में भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, ऐसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ कह रहे हैं। पर ये झांसी में क्यों हो रहा है? एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जैसा संबित पात्रा बता रहे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये झांसी में एक उसका हिस्सा है जहां पर कुछ रक्षा की कुछ फैक्ट्रीज बनेंगी, कुछ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, जैसे प्रोपल्शन सिस्टम है वो यहां पर बनेगा कुछ हथियारों का, तो इसीलिए अलग अलग जगह पर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ सरकार मिलकर इस तरह के रक्षा उपकरण देश में ही बनेगा। गौरव, हम लौटेंगे इस पर, आप बने रहिए हमारे साथ जैसे ही तस्वीरें आएंगी, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। आप देखिए